आप लोग कोई चीज पूछना चाह रहे हैं, कोई डाउट है तो डाउट पूछिए और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं उस चीज को। ठीक है, किसी का कोई अभी कोई डाउट नहीं है? आप सर हाँ बोलिए। सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो दो कैपिटल होते, तो दो दो मतलब दो दो खाते, अकाउंट दो खाते बनते हैं, हर साझेदार के दो खाते बनते हैं। हाँ तो सर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है वो कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं? वो क्योंकि उसके अंदर देखो मैंने ये बताया कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने ये बताया था कि जब हम पार्टनर्स का फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसमें दोनों के अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, दो अकाउंट बनाते हैं हर साझेदार का। एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। जब फिक्स मेथड से हम साझेदारों के अकाउंट बनाते हैं तो दो अकाउंट हर साझेदार का बनता है, फिक्स और करंट, सॉरी फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आती है बस, और जो प्रॉफिट से बांटने का काम है वो सारा का सारा करंट अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा है तो वो करंट अकाउंट में आएगा, और जो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगी, जो पार्टनर के साल के शुरू में कैपिटल है उसको हम बैलेंस में लिखते हैं प्रारंभिक शेष में, जो उसने अतिरिक्त कैपिटल लगाई है एडिशनल कैपिटल वो हम लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक में, जो कैपिटल वो अगर निकाल रहा है तो टू बैंक में लिखेंगे, और फिर बैलेंस करीट डाउन आएगा। सीधी सी बात, प्रॉफिट जो हम बांट रहे हैं वो करंट अकाउंट में लिखेंगे। प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, प्रॉफिट में हम वेतन दे सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा दे सकते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो सकती है, पार्टनर ने जो ड्रॉइंग की है वो भी इसी करंट अकाउंट में आएगा, और फिर हम जो बैलेंस है वो क्रेडिट डाउन लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो स्थिर पूंजी खाते में जो हमारा पूंजी खाता है उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ हम पूंजी का ही हिसाब रखते हैं, ठीक है। इसका इसका और क्या रीजन है, एक रीजन और है, वो रीजन मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा जब हम थोड़ा सा पढ़ लें इसको थोड़ा अभी, और मुझे लग रहा है अभी कुछ टॉपिक्स अभी और पढ़ने हैं, वो जब हम पढ़ लेंगे तो मैं इसका एक रीजन और आपको बताऊंगा कि हम अलग अलग क्यों रखते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग हम इसलिए रखते हैं कि हम चाहते हैं कि पार्टनर की कैपिटल एकदम अलग रहे, और जो प्रॉफिट कमा रहा है अलग, उससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि पार्टनर ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है और वो कमा क्या रहा है। अगर कभी पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो वो भी हमने करंट अकाउंट में लिखा, कभी ऐसा नहीं हो कि पार्टनर को जो मिला प्रॉफिट उससे ज्यादा वो निकाल रहा है तो भी हम अलग अकाउंट में लिख रहे हैं। कैपिटल पार्टनर नहीं निकाले बिजनेस में से, वो कैपिटल जो लगाई और रहे, जिससे कि बिजनेस के अंदर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अगर पार्टनर कैपिटल निकाल लेंगे तो बिजनेस के पास व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पूंजी कम पड़ेगी, पूंजी जब कम पड़ेगी तो बिजनेस का लाभ कम होगा, बिजनेस का लाभ कम होगा तो बिजनेस तरक्की नहीं करेगा, ग्रोथ। तो हम नहीं चाहते हैं कि साझेदार लोगों की कैपिटल डिस्टर्ब हो, तो कैपिटल हम चाहते हैं वो बिल्कुल फिक्स रहे, उसमें चेंज नहीं है। जो कुछ निकालना है जो और सब करना है वो अलग अकाउंट में लिखा जाए, जिससे कि पूंजी को डिस्टर्ब नहीं किया जाए बिजनेस की। एक ये रीजन है, और भी एक रीजन है वो थोड़ा सा बाद में, हम नहीं चाहते कि साझेदारों की पूंजी डिस्टर्ब हो, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझ में आया, एक बार तो आप ये मान के चलिए अभी के लिए फिलहाल कि जब हम साझेदारों को लाभ बांटते हैं, लाभ बांटने की सारा सारी एंट्रीज हम सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। जो लाभ देंगे चाहे आईओसी के नाम से दें, चाहे सैलरी करके दें या प्रॉफिट का हिस्सा करके दें, वो करंट अकाउंट में। और जो पार्टनर निकालता है प्रॉफिट बिजनेस से तो उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, और जब ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लेते हैं तो उसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहते हैं, आहरण पर ब्याज। ये सारी एंट्री करंट अकाउंट में होगी, बाकी सिर्फ कैपिटल की एंट्री उसके अंदर होगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट समझ में आया कि जी सर, है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछिए, और किसी का कोई प्रश्न है?
मैं आ रहा हूं पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन। पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, पूंजी को बांटने के लिए जो अकाउंट पार्टनर्स बनाते हैं उनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा बहुत लिखते भी जाइए, जिससे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो सब कुछ स्क्रीन पर चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लिखना है जिससे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, ठीक है। माखन माखन तुम कल क्लास में नहीं थे और मैंने दोबारा लिया था उस चीज को समझाने के लिए कि कैसे वो बनेगा, तुम नहीं थे कल क्लास में। हाँ ओके, अब हम बात करें लाभ हानि वितरण खाते की, लाभ हानि विनियोजन खाते की, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट क्यों बनता है, मैंने आपको सिर्फ इसकी एक रूपरेखा दी थी एक बार पहले, मैंने आपको इसकी एक रूपरेखा दी थी कि अकाउंट हम बनाते क्यों। मैंने आपसे ये कहा था उस समय, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज का आप ध्यान रखिए कि हम क्यों बनाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस बात को 2-3 दिन हो गए इसलिए मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में सब आएगा। प्रॉफिट को बांटने के लिए, प्रॉफिट बांटने के लिए, बिल्कुल सही। तो मैंने आपको जो लास्ट क्लास में एक प्रेजेंटेशन दिखाया था जिसको मैंने शेयर भी किया है ना, वो बता रहा हूँ, है ना, हम इसकी बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी साझेदारी फर्म का ये देखे, ट्रायल बैलेंस देखे, तो साझेदारी जो फर्म का ट्रायल बैलेंस होता है उस ट्रायल बैलेंस में और एकल व्यवसाय सोल प्रोप्रेटरशिप के ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि साझेदारी व्यवसाय है तो उसके अंदर दो या दो से ज्यादा कैपिटल होगी, कैपिटल ज्यादा होगी, दो या दो से ज्यादा कैपिटल होगी, और ड्रॉइंग्स भी जितने पार्टनर्स है उतनी ड्रॉइंग्स भी हो सकती है, बाकी पूरे ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं रहता, सब कुछ वैसा के वैसा रहेगा, एक ही चीज। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जब पार्टनर्स का ट्रायल बैलेंस दिया होता है, ये आपने 11 में पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप क्या करते हो, ये बस फर्क है, ये दोनों चीजों में फर्क है, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। उसके बाद आप किसी भी साझेदारी फर्म का लाभ हानि और व्यापारिक खाता दोनों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसे सोल प्रोप्रेटर का बनता है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो मुझे अभी आपको ये सिखाना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दे रहा हूँ जिससे कि आप उसकी कल्पना कर सके कि ये कैसे कैसे होता है, फिर मैं आपको इमेजिन कर सके इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना के उसका नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं, और फिर ये जो नेट प्रॉफिट है ये हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के लिए उनके हिसाब से उनको कैपिटल के अंदर बढ़ जाएगा, जितने पार्टनर्स है उतने पार्टनर्स के अंदर कैपिटल के अंदर प्रॉफिट जुड़ जाएगा, बाकी बैलेंस शीट में डिफरेंस नहीं है, एसेट सारी की सारी वैसी रहेंगी, लायबिलिटीज वैसी रहेगी, तो जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट को जितने पार्टनर्स है उनके अंदर उसका वितरण होगा, दो पार्टनर्स है तो दोनों में होगा, एक तीन है तो तीन में होगा। यहाँ पे मैंने दो पार्टनर लिए, एक का नाम है हरिराम, एक का नाम है सीताराम, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये आधा मैंने हरिराम को दे दिया है और आधा मैंने सीताराम को दे दिया, आधा आधा दोनों में बांट दिया, फिर दोनों की ड्राइंग्स माइनस कर दी और फिर दोनों की कैपिटल आ गई। 11th में जब आप बैलेंस शीट बनाते थे उसमें एक ही कैपिटल होती थी, पार्टनरशिप में दो कैपिटल होंगे कम से कम, ज्यादा भी हो सकती, ठीक है, और जो लाभ है वो एक ही कैपिटल में नहीं जुड़ेगा, एक ही पूंजी में नहीं जुड़ेगा, वो सब में बटेगा, हानि है तो भी सब में से माइनस होगी, ये चीज का ध्यान रखना। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ लोगों को ये मैंने आपको बताया कि डिटेल में कैपिटल अकाउंट कैसे दिखेगा, तो उन लोगों का कैपिटल अकाउंट ऐसे दिखेगा, बाकी बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं, दो पार्टनर है तो दोनों में लाभ बटेगा, तीन पार्टनर है तो तीनों बटेगा, सब कुछ होगा, ठीक है सर। इसमें जब प्रॉफिट बांटेंगे तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कितने कितने परसेंट से बांटना है या फिर मतलब इक्वली बांटना है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, नहीं लिखा है तो इक्वल बांटना है, वैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, बिल्कुल लिखा रहेगा, ठीक है। तो पूरी बैलेंस शीट में सिर्फ इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। फिर मैंने आपसे ये कहा कि अब जो है अकाउंटेंट्स को एक जरूरत महसूस हुई, उनको एक जरूरत क्या महसूस हुई, उनको उनका ये महसूस हुआ उन लोगों को कि भाई जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं और फिर हम सीधे के सीधे बैलेंस शीट में प्रॉफिट बांटते हैं,
इसके बजाय अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में एक अकाउंट बनाए, अलग से नया अकाउंट बनाए, अभी तक नहीं बनाया, अब बनाए, इस अकाउंट का काम क्या होगा? इस अकाउंट का काम सिर्फ इतना होगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, लाभ का वितरण करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस दोनों, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अगर हम एक ऐसा अकाउंट बनाएं जिसके अंदर उसको बांटा जाए और फिर हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएं, तो क्या ख्याल है? हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में प्रॉफिट जोड़ रहे हैं ऐसा नहीं करें, हम इसके अंदर अलग अकाउंट बनाएं और उस अकाउंट को बांटें। ये जो अकाउंट, नया अकाउंट बनाने की जरूरत जो महसूस हुई अकाउंटेंट्स को, इस अकाउंट को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो अब क्या हुआ, साझेदारी के अंदर पहले तो व्यापारिक खाता बनता है, जैसे आप 11th में बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा, फिर लाभ हानि खाता बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा जैसा हम बनाते हैं, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा 11th में बनता था साझेदारी में भी वैसे बनेगा। उसके बाद लाभ हानि जो निकलेगी उसको वितरित करने के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या लाभ हानि वितरण, या लाभ हानि विनियोग खाता हम ये बनाएंगे। ये लाभ हानि विनियोग या लाभ हानि जो वितरण खाता है, इसके अंदर लाभ हानि बांटने के बाद हम उसका जो टोटल है बैलेंस शीट, यहाँ पर एक जरूरत और महसूस हुई कि लाभ हानि वितरण खाते के बाद हम चाहें तो पूंजी खाता भी बना सकते हैं, पूंजी खाता भी हम बना सकते हैं। तो लाभ हानि वितरण के बाद हमने यहाँ पे पूंजी खाता भी बना लिया, बहुत अच्छी बात। तो ये लाभ हानि वितरण के बाद हमने पूंजी खाता बनाया, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट। पूंजी खाता हम क्यों बनाते हैं कि जो लाभ हानि दी हमने बांटी है पार्टनर्स को, वो उनके कैपिटल में जोड़नी भी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को डाउट आएगा, उस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। लाभ हानि जो पहले देंगे और फिर उनके कैपिटल में जुड़ेगी और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है? तो इस हिसाब से हमको ये चीजों को करना रहेगा, ठीक है? आप यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिए। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारी, अगर ये तो ठीक है, मैंने कैपिटल अकाउंट आपको बता दिया, तो मैं कैपिटल अकाउंट पे नहीं जा रहा हूं, कैपिटल अकाउंट आपको बताया जा चुका है एक बार। हाँ, तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कुल मिला के ऐसा बनता है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पूंजी खाता सभी साझेदारों का। अब ये स्थायी पद्धति से बन सकता है या अस्थायी से बन सकता है, फिक्स्ड बन सकता है, फ्लक्चुएटिंग, ये आपकी चॉइस है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, ये बिजनेस को जैसा लगे उसके हिसाब से बना सकते हैं। और फिर हम लाभ हानि वितरण खाता बनाएंगे जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हम एक फर्क देख रहे हैं, फर्क हम ये देख रहे हैं कि साझेदारी के अंदर ये दो अकाउंट हमें अलग से बनाने पड़ रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपने अभी तक 11th में नहीं बनाए। तो आज हम इसके अंदर यही अकाउंट बनाना सीखेंगे और इसके अंदर हमने इस अकाउंट के बारे में डिस्कशन कर लिया, ये हो गया। आज जो हमारा डिस्कशन है, आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम इस अकाउंट को बांटेंगे और बनाएंगे और इसमें से लाभ हानि बांटेंगे। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है, वो बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। तो आप जो है सबसे पहले यहां पर आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हो, आप इसको यहां ट्रांसफर करते हो, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने बाद में नेट प्रॉफिट निकाला, या आपने पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाला, तो इस नेट प्रॉफिट को भी आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे। इसके ऊपर एक मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर ऐसा क्यों हम इसकी एंट्री, तो मैंने वो सीक्वेंस बताने की कोशिश की थी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए कि ये जो आप बना रहे हैं अकाउंट्स, ठीक है, आप जो नेट, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपका स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट जो होगा वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, नेट प्रॉफिट आपको दिया रहेगा। और वो नेट प्रॉफिट जो है आपको कहाँ लिखना है, वो आपको ध्यान रखना है कि जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है के क्रेडिट साइड में आप नेट प्रॉफिट लिखते हो,
और ये नेट प्रॉफिट आता कहां से है? ये नेट प्रॉफिट आपको मिला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिला, जिस नेट प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे ट्रेडिंग से पीएनएल अकाउंट, अब उसी ढंग से नेट प्रॉफिट को आप पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और ट्रांसफर करने के बाद से आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किसकी होगी? नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट। और नेट लॉस होगा तो नेट लॉस को हमको डेबिट साइड में इधर लिखना, नेट लॉस है तो। हाँ जी ठीक है, कोई प्रश्न है किसी के दिमाग में? यहाँ पर पूछ ले, यहाँ पर किसी को दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा तो ये तो मैंने अभी इसको मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? दिया होगा क्वेश्चन में। जब आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया हुआ। ये नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे, या हम उसको दो ढंग से लिख सकते हैं। यहाँ तो मैं यहाँ लिख दूं बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ लिख दूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ही बात। फिर उसके नहीं सवाल ही नहीं उठता। आप नहीं दिया होगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपके सिर्फ ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा सर। बट हमें तो एप्रोप्रिएशन बनाना तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। हां आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट तो बनाना ही नहीं, तो वो तो 11th में बन चुका। अब आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको ये नेट प्रॉफिट तो दिया ही होगा, हमेशा दिया या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट नेट लॉस दिया, ये नेट प्रॉफिट दिया। नेट प्रॉफिट में से आप पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लिखेंगे? ए को कितना दिया, बी को कितना दिया, और फिर इसका टोटल। तो जितना हमारा प्रॉफिट था इस प्रॉफिट में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट एंट्री जो हमारी होगी सर? हाँ सर, ये समझ में नहीं आया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड क्यों लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है? यहाँ पर हमको फर्म के से रिलेटेड देखना है, पहले हम पार्टनर्स बनाते हैं, पार्टनर्स से देखते हैं। नहीं, इसके अलावा एक और चीज, आपने 11th के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, मैं आपको उसमें फिर से एक बार दिखा दूं। तीन तरह के खाते होते हैं, कौन कौन से खाते होते हैं जरा बताइए। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल इसको क्या क्या कहते हैं? रियल को क्या कहते हैं हिंदी में? वास्तविक, व्यक्तिगत, नाममात्र। वास्तविक, व्यक्तिगत और नाममात्र। नाममात्र खाते के डेबिट क्रेडिट के क्या रूल होते हैं? लॉस और समस्त व्यय हानियों को डेबिट करो, व्यय एवं हानियों को डेबिट, लाभ एवं आय को क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट सारे एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। अब फर्म जो है इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, फर्म इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस। पार्टनर के लिए इनकम और फर्म के लिए एक्सपेंस होगी। अच्छा ठीक है माखन, उसको वीडियो पे देखना उसको, ठीक है। वीडियो पे देखना उसको। हाँ, इंटरेस्ट जो फर्म दे रहा है वो एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस। हम यहाँ पे जो बुक्स बना रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये फर्म की कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं, ये बताइए आप। बिजनेस की कर रहे हैं ना, तो बिजनेस के लिए क्या? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ना,
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर बनाता है कि बिजनेस बनाता है? बिजनेस बनाता है। बिजनेस, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसके डेबिट में हम जब भी इंटरेस्ट देंगे और कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे तो खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट पार्टनर बनाता है इसमें? नहीं, 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 कैपिटल अकाउंट भी बिजनेस बनाता है पार्टनर के लिए, लेकिन पार्टनर के लिए पार्टनर को बनाना, तो पार्टनर अपनी बुक्स में अकाउंट बनाए, उससे हमें मतलब नहीं, वो हम नहीं बना रहे। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर फर्म ही बनाती है। सर जी, जितने भी अकाउंट पड़ रहा है सब बिजनेस बनाएगा? सब बिजनेस बना रहा, हम तो बिजनेस की नौकरी कर रहे हैं, हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, लेट अस कम बैक टू दिस। मैं बिजनेस की बुक्स बना रहा हूँ, बिजनेस की बुक्स बना रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस का ये सारा हिसाब किताब जो है, अकाउंटिंग लेखांकन जितना हो रहा है वो बिजनेस में हो रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया, अब आप थोड़ा सा दूसरी जगह ले लीजिए। बिजनेस ने, आप 11 के हिसाब से बताइए, बिजनेस ने लोन लिया, किससे लोन लिया? बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया। आप जो 11th में एंट्री करते थे, बिजनेस से बैंक से लोन लिया 20,000 रुपए, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस सर, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक बैंक लोन, बैंक। अब वैसे कैश नहीं आना चाहिए, बैंक आना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, कैश से फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे दूसरी एंट्री कह रहा हूँ, ये अब बिजनेस क्या करेगा, ये तो जनरल एंट्री करेगा और बैंक लोन का खाता खोल देगा, एक बैंक लोन अकाउंट खोल देगा, बैंक से लोन लिया, तो बैंक लोन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश 20,000। अब मैं आपसे कहता हूँ, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन, इस बैंक लोन पर 2,000 का इंटरेस्ट हो गया, इसकी एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए क्या है? सर इंटरेस्ट बैंक लोन डेबिट टू बैंक लोन। हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट टू बैंक लोन, बिल्कुल सही। हम बैंक लोन में इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा, तो इसकी एंट्री जब बैंक लोन में करूंगा तो जो इंटरेस्ट है ये बैंक लोन में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट के कारण हमारा बैंक लोन बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। पहले हमने 20,000 का लोन लिया था, 2,000 इंटरेस्ट जुड़ गया उसके अंदर, अब हमें कितना देना पड़ेगा बैंक लोन का? 22,000। बढ़ गया ना, ठीक है। अब आइए दूसरी एंट्री में आइए, है ना। अब बैंक लोन छोड़ दीजिए, आपको कैपिटल मिली, कैपिटल ओनर ने कैपिटल लगाई, कितने रुपए की? 50,000। इसकी एंट्री बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैप 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बाय कैश 50,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। तो जो आपने बैंक लोन की एंट्री की थी ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की एंट्री की थी, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक लोन, मैं यहां पर भी करूंगा वही, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टू बैंक लोन, आपने क्या कहा था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टू बैंक लोन, मैं वही एंट्री यहां पे करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। Yes. दोनों में फर्क क्या है? एक बैंक से पैसा लिया, एक ओनर, मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस तो अलग होता है ना ओनर से। यस सर, ओनर ने बिजनेस ने चाहे बैंक से पैसा लिया, सपोज 5,000 इंटरेस्ट देना, तो बैंक से जब लोन लिया तो भी आपको इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है और बैंक लोन के अंदर आप उसको जोड़ दोगे, आपको बैंक लोन का 2,000 रुपए और देना पड़ेगा। जब बिजनेस बैंक से ना लेकर ओनर से पैसा ले रहा है, उस केस में भी इंटरेस्ट जो आप दोगे आपके लिए खर्चा है, आपको इंटरेस्ट देना है। बिजनेस आपको, मैं जब आपकी बात कर रहा हूं तो आप बिजनेस है, हम बिजनेस के बुक्स बना रहे हैं,
हम बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, बिजनेस को जब ओनर को इंटरेस्ट देना है तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है, तो एक्सपेंस डेबिट होगा और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल के अंदर बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट करके 5,000 रुपए जुड़ जाएगा पूंजी खाते। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई ओनर को 50,000 रुपए ओनर ने दिए, अब हमें 5,000 रुपए उसको और देने, 50,000 तो देनी ही है वापस जो कैपिटल दी, लेकिन अब 5,000 और देने पड़ेंगे। किस बात के देने पड़ेंगे, ब्याज के, इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट। तो ओनर का बिजनेस के अंदर जो पहले ओनर ने 50,000 दे रखा था, ओनर को हमसे बिजनेस से 50,000 जो लेने थे, अब ओनर को हमसे 55,000 लेने। यस सर, यहाँ पे पार्टनर्स जो भी होगा उसके लिए इनकम हो गया, व्यवसाय के लिए ये खर्चा हो गया, व्यवसाय के लिए खर्चा हो गया और साझेदार के लिए इनकम हो गई। तो व्यवसाय के लिए खर्चा हो गया, साझेदार के लिए इनकम हो गई। यस तो हम जैसे बैंक लोन में जोड़ रहे हैं वैसे ही हम कैपिटल में जोड़ रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। आप देखिए बैंक लोन के अंदर भी वही हो रहा है, बैंक लोन में हमने जैसे जोड़ा था, बैंक लोन के अंदर हमने बैंक लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट दिया, जुड़ गया। हम कैपिटल में भी तो ऐसे ही जोड़ रहे हैं, कैपिटल लिया और उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया, दोनों में फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं, एक ही जैसी बात हो रही है, एक ही चीज। अब ये कैपिटल अकाउंट कौन बना रहा है, बिजनेस बना रहा है। बैंक लोन कौन बना रहा है, बिजनेस बना रहा है। कैपिटल अकाउंट भी बिजनेस बना रहा है। बिजनेस कह रहा है कि बैंक लोन का 22,000 रुपए देना है, बिजनेस कह रहा है कि पूंजी का 55,000 रुपए देना है, बिजनेस कह रहा है। ओनर अपनी बुक्स में कहेगा जो, ये बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिए मेरे से। हाँ बोलिए, कोई भी क्वेश्चन हो किसी का। अक्षरा तुम कुछ पूछना चाहती हो बेटा, कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन हो। यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। अब वो वाला है, प्रिपरेशन वाला है, समझ विद्या व्यक्ति होता। एक बार फिर से बोलो अक्षरा, क्लियर नहीं हुआ क्या कह रहा, ये समझ में आ गया। फिर क्या सर, डेबिट वाला समझा दीजिए। वो भी मैं समझा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अक्षरा, अनुज, अर्पिता या जितने भी बच्चे बैठे, हेमलता, हरिओम, जैन, जितेन, जिसको भी कोई डाउट हो पूछिए मेरे से। विशाल, विक्रम, करेंट अकाउंट में फिर इंटरेस्ट देखो करंट अकाउंट में क्या है, करंट अकाउंट उसमें फर्क क्या है, करंट अकाउंट इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि भाई वो कह रहे हैं कि अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है तब तो यही बनेगा, अगर फिक्स मेथड है तो वो कह रहे हैं कि एक काम कर लो, है ना, आप इतना मेहरबानी कीजिए कि आप यहाँ पे दो अकाउंट कर दो, एक करंट अकाउंट कर दो, ठीक है। तो आप जो इंटरेस्ट यहाँ पे लिख रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो सर, भाई ये वाला ऊपर वाला अकाउंट भी तो पार्टनर का है, ये वाला अकाउंट भी पार्टनर का है, हमको क्या फर्क पड़ रहा है भाई। हमने यहाँ, हम किसी को चेक दे रहे हैं, चेक के बजाय हमने कैश दे दिया या कैश के बदले चेक दे दिया, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, जा तो हमारे पैसे रहे ना, कैश से जाए या चेक से जाए, तो हम पार्टनर को ही दे रहे हैं ना। पार्टनर के पूंजी खाते में जोड़े या करंट चालू खाते में जोड़े, दे तो पार्टनर को ही रहे पैसा ब्याज का। आज अगर पार्टनर बोलेगा कि मुझे कितना पैसा लेना, तो बोलेगा 50,000 कैपिटल के लेने और 5,000 रुपए करंट अकाउंट से चालू खाते के लेने। तो व्यापार जो साझेदार है उसको लेने तो हमसे 55,000 ही है, चाहे एक खाते में लिखे चाहे दो खाते में लिखे। यस सर, है ना, लेने तो उसको 55,000 ही है, चाहे एक बार में बोले चाहे दो बार में बोले, अलग अलग खाते में लिखे, एक खाते में लिखे। तो ये पैसा भी पार्टनर साझेदार को बिजनेस से लेना है या बिजनेस को साझेदार को देना है, ये पैसा भी बिजनेस को साझेदार को देना है, दोनों देने हैं उसको। इज दैट ओके? ओके सर। हाँ बोलिए, और कोई डाउट है यहाँ पर, जहां तक अभी मैंने समझाया वो मैं करंट अप्रोप्रिएशन में समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने समझाया वो उसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। हाँ विजय, विजय विजय कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा, बोलो मेरे से। नो सर, वो आप ठीक, कोई दिक्कत, आप लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना, बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर। अब मैं आगे की बात करता हूँ, दूसरी चीज बिल्कुल सिंपल। विजय पाल, तुम मुझे जवाब दोगे, ठीक है, विजय तुम मुझे जवाब दोगे। यस।
बेटा जब हम सैलरी देते हैं किसी को, सैलरी देते हैं तो सैलरी की एंट्री क्या होती है? हमने किसी को वेतन दिया, वेतन दिया, वेतन देने की क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बेटा कैश, कैश आ रहा है तुम्हारे पास कि कैश जाता है? नो सर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर सैलरी डेबिट टू कैश। हमारी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, बहुत। अब क्या होता है साल के अंत में जब हमें प्रॉफिट लॉस निकालना होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सपोज हमने किसी को 5,000 रुपए की सैलरी दी, ये सैलरी को मुझे सैलरी जब दी मैंने तो सैलरी टू कैश की, फिर इस सैलरी को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो ये ट्रांसफर जब हम करते हैं इसकी एंट्री क्या होती है? यहाँ पे आप, आपको याद है 11th में आप लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सैलरी लिखते थे ना? यस सर, लिखते थे ना सब कुछ? यस सर। इसकी एंट्री क्या है? इसकी एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो मुझे सैलरी देने के बाद लाभ हानि खाते में उसका ट्रांसफर हस्तांतरण करने के लिए जो एंट्री बनानी पड़ती है उस एंट्री को कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये एंट्री बनेगी। इसमें किसी को कोई संशय है, कुछ 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 नहीं तो पूछे मेरे से। ठीक है, अब ऐसे ही जब हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को सैलरी देते हैं तो उसकी एंट्री हम करते हैं पार्टनर्स। ये मैं आपको डीप में समझा रहा हूं, ठीक है? ये आपका एमपी बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन सीए फाउंडेशन में आएगा, ये जो मैं सभी समझा रहा हूं। ठीक है, आप जो पूछ रहे हैं इस चीज के बताओ। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, अगर हमने ए को सैलरी दी तो तू ए इज कैपिटल। अगर स्थिर पूंजी खाता है, फिक्स कैपिटल है तो ए इज करंट अकाउंट। तो ए के कैपिटल या ए के करंट अकाउंट में, इस एंट्री का मतलब क्या है? हमने ए को सैलरी दी है, सपोज ए को सैलरी दी है मैंने 5,000 रुपए, ए को मैंने 5,000 रुपए की सैलरी दी तो वो आया 5,000 रुपए। ये आपको साफ साफ दिखेगा। अब ये सैलरी खर्चा है, मुझे लाभ हानि खाते में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन ये पार्टनर को दी गई है तो जब पार्टनर को दी गई तो लाभ हानि में नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। पार्टनर को जो सैलरी हम देते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो मेरी दूसरी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। कितना? 5,000। पहले मैंने सैलरी दी है पार्टनर को तो एंट्री करेंगे पार्टनर सैलरी टू एस कैपिटल या एस करंट अकाउंट। फिक्स मेथड है, फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स है तो करंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, वो तो एक ही में जाएगा। फिर उसके बाद तो अब इसको अगर मैं लेजर में बनाऊं तो लेजर के अंदर अगर मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं तो मैं यहां लिखूंगा एस कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल में लिखूंगा क्रेडिट में, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना तो उसके क्रेडिट में लिखूंगा बाय पार्टनर सैलरी 5,000। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, ये पीएनएल डेबिट हुआ तो मैं द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो डेबिट में लिखूंगा टू पार्टनर्स सैलरी। तो आपका जो क्वेश्चन था कि जब हम पार्टनर को सैलरी देते हैं तो वो पूंजी खाते के क्रेडिट में जाएगा और वही सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगी। इसके अंदर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ पूछना हो तो पूछिए मेरे से। सर हमको समझ में नहीं आया ये। अच्छा ठीक है, मैं फिर से, आप अगर किराया 11th के हिसाब से बात करते हैं जब आप रेंट देते हैं किसी को, ठीक है? अच्छा, ये आपको मालूम है कि जब आप ये चीज एक्चुअली पढ़ाई नहीं जाती है बच्चों को, अनफॉर्चुनेटली 11th के अंदर जो 11th के अकाउंट्स के टीचर हैं वो ये बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हो तो जब आप यहाँ पर रेंट लिखते हो डेबिट में,
रेंट आपने दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में लिखते हैं? यस सर, डेबिट में। डेबिट में। आप जब सैलरी देते हो तो डेबिट में लिखते हो? डेबिट में। इंटरेस्ट देते हो तो डेबिट में। अच्छा, आपको कमीशन मिलता है तो कमीशन मिलता है तो किधर लिखते हो? क्रेडिट। क्रेडिट में सर, बाय कमीशन। बाय कमीशन रिसीव्ड। अब आप मुझे ये बताइए, बाय रेंट रिसीव्ड। बाय रेंट रिसीव्ड, बहुत सही। अगर रेंट मिला है तो बाय रेंट रिसीव्ड, अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट, यही करते हो आप। अब इसको आप लिखते हो यहाँ पे, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? आपको ये बताया गया कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जनरल एंट्री क्या होती है? आपको सिखाया था? नो सर। यही चीज कह रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ सर। हमारे लिए टाइम कम था, 2 महीने बस थे, 2-3 महीने। साल भर पढ़ा आपने 11th में? नो सर, हमारी क्लासेस नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हुई। आधे नवंबर से स्टार्ट। तो अभी आप ये समझिए कि ये जो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मैं वापस जा रहा हूँ, रिवर्स है ना, मैं वापस जा रहा हूँ। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, और फिर यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखेंगे, ए को कितना इंटरेस्ट दिया और बी को कितना इंटरेस्ट दिया, फिर यह टोटल इंटरेस्ट हम डेबिट करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे, सैलरी देंगे, और सैलरी किस किस को देंगे, ए को कितनी देंगे और बी को कितनी देंगे, ये दोनों लिखने के बाद ये बी को सैलरी। तो इस प्रॉफिट में सैलरी जो हम दे रहे हैं ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, ये सैलरी भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम ठीक है। रेंट वगैरह रेंट तो पीएनएल अकाउंट में आता है, पीएनएल अकाउंट से हम डेबिट में लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट में लिखे। रेंट डीड में होता है, लेकिन रेंट को हम चार्ज मानते हैं। मेन आपको दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना है और मेन आपको ये चीज देखनी है, पूंजी पर ब्याज देखना है और सैलरी देखना, ये हमने दे दी। फिर उसके बाद में जो हमें उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, वो हम लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में लिखे, क्योंकि हम ले रहे हैं, हमारे लिए इनकम है। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस समझना आपको जरूरी है, यहाँ पे मैं एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हमारे लिए एक्सपेंस है, फर्म दे रही है, ये सैलरी फर्म दे रही है, एक्सपेंस है। और ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म ले रही है पार्टनर्स, तो ये फर्म के लिए इनकम है, इनकम है फर्म को, इनकम। आपने कहा ना, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, है ना, नाम मात्र खाता है ये, तो इसके अंदर नाम मात्र खाते के नियम लगते हैं। तो आपने कहा जो हमको इनकम क्रेडिट होती है, तो इनकम है ये फर्म को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो पार्टनर्स ले रहे हैं, इनकम है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया है। और फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है, क्रेडिट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो आपने अभी मुझे नाम मात्र खाते का नियम बताया कि सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख दिया। तो सैलरी है वो सैलरी एक्सपेंस है, तो आपने अभी मुझे बताया कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो ये भी हमने डेबिट लिए। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम ले रहे हैं तो क्रेडिट होगा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं या हम सैलरी दे रहे हैं तो वो डेबिट होगा। और फिर हम जैसा देखते हैं कि ये डेबिट, ये क्रेडिट का टोटल हम लगाते हैं, क्रेडिट का जो टोटल लगाते हैं वो ये आएगा आपका, ये आएगा। इसके इस टोटल में से हम ये दोनों माइनस कर देंगे, ये जो टोटल आएगा यहाँ पर, इस टोटल में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे और सैलरी माइनस कर देंगे। ये माइनस करके जो हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं ये लाभ, ये हमारे लिए लाभ, इसको डिविजिबल प्रॉफिट,
डिविजिबल नहीं एक डिविजिबल प्रॉफिट होता है, ये डिविजिबल प्रॉफिट विभाजन योग्य प्रॉफिट बोलते हैं, विभाजन योग्य प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उनका लाभ हानि खाता अनुपात है तो उस लाभ के अंदर हम ये वाला प्रॉफिट बांटते हैं। मतलब हम कौन सा लाभ बांटते हैं, ये नेट प्रॉफिट नहीं बांटते लाभ हानि के अनुपात में, इस लाभ ये जो नेट प्रॉफिट है शुद्ध लाभ, इसमें से पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इसमें से पहले हम इंटरेस्ट ऑन सैलरी सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर इसमें से सैलरी देंगे, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस लाभ को हम पार्टनर्स को उनके लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं। तो इसमें ड्रॉइंग्स नहीं लिखते, इसमें ड्रॉइंग्स नहीं लिखते, ड्रॉइंग्स का लाभ से या हानि से मतलब नहीं है, ड्रॉइंग्स पर तो ब्याज है वो हम लाभ हानि खाते में लिखते हैं और हम ड्रॉइंग्स नहीं लिखते। फिर ये जो लाभ बचता है आखिर के अंदर ये हम पार्टनर्स को उनके रेशियो में बांट देते हैं, ये हम पार्टनर्स को उनके रेशियो में अनुपात में बांट। फिर डिविजिबल लॉस ही लिखा रहेगा या फिर नेट प्रॉफिट में भी डिविजिबल लॉस हो सकता है? देखिए उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट है लॉस होगा तो यहाँ लिखेंगे हम नेट लॉस। जब हम प्रॉफिट बांटते हैं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख रहे हैं, जब लॉस होगा तो उस केस में प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां नहीं लिखेंगे, उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां लिखेंगे। और ये लॉस जो आएगा इस लॉस को ए और बी में बांट दें। सर ये लॉस की कंडीशन होगी अगर इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट की जगह विभाजन योग्य हानि आती है, तो विभाजन योग्य लाभ की जगह विभाजन योग्य हानि आती है तो उस लाभ उस हानि को हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, हमने आपको पहले बताया था हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे हमने मैंने ये भी आपको बताया था एक सेकेंड आपको मैंने ये बताया था कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ये प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट बांटते हैं, मैंने आपको बताया पीएनएल, हाँ मैंने आपको बताया कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो लाभ होता है तो पार्टनर को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, हानि होगी तो पार्टनर्स को हम क्या करेंगे डेबिट डेबिट। तो इसलिए पार्टनर डेबिट होगा हानि में, तो इसीलिए मैंने यहां पर सर ये इसीलिए यहां पर लॉस के केस के अंदर हम क्या करेंगे, लॉस के केस के अंदर मैं पार्टनर्स को डेबिट करूंगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अपने आप। लाभ होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, हानि होती तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। सर इस अकाउंट में ओनली डेबिट साइड ये दोनों चीजें या इन सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फिर से बोलो, इस अकाउंट में सर इस अकाउंट में डेबिट साइड ओनली यही दोनों चीजें आएंगी और ज्यादा अगर कमीशन दे रहे हैं कमीशन कभी अगर पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन आएगा बस। और ये कुछ चीजें है कभी कभी हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, रिजर्व वो तो खैर अभी आपको नहीं है मुझे नहीं बताना चाहिए, अगर रिजर्व फंड वगैरह क्रिएट करते हैं तो आएगा, बस ये सब चीजें आती है और कुछ नहीं। जो चीज हम पार्टनर को लाभ का वितरण कर रहे हैं वो इधर लिखेंगे डेबिट में, और अगर हम पार्टनर से कोई चीज ले रहे हैं तो इधर लिखेंगे, प्रॉफिट हम देते हैं तो यहाँ डेबिट में लिख रहे हैं, लॉस हम पार्टनर से लेंगे तो अगर लॉस के केस में हम पार्टनर्स कैपिटल को इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। सर एक क्वेश्चन करा दीजिए इस तरह। हां वो क्वेश्चन कराता हूं, यहां तक जो मैंने बताया ये डाउट क्लियर हुआ फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। यस सर पहले जो फॉर्मेट बता रहा हूं इसमें आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइए फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है सर, लाभ हानि वही लिखित समझौते के अनुसार बांटा जाएगा ना? लाभ हानि साझेदारी समझौते के अनुसार बांटा जाएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, लाभ हानि जो है जो समझौता हुआ उसके अनुसार। ठीक है और किसी का कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है? सौम्या खरे, प्रियंका पांडे, शिवी, प्रियंका करार, आप लोगों के
हैंड्स ऊपर है इसलिए मैंने पूछा, ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर पीएनएल अकाउंट में इनकम को डेबिट करेंगे, पीएनएल अकाउंट में क्या करें, फिर से बोलो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी इनकम को और प्रॉफिट को, फर्म के लिए जो इनकम है, फर्म के लिए, फर्म की इनकम कौन सा होगा जो फर्म पार्टनर से ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज फर्म पार्टनर से लेता है, तो फर्म क्रेडिट को क्रेडिट में आएगा। इज दैट ओके? और पूंजी ब्याज फर्म देता है, फर्म के लिए एक्सपेंस, तो वो डेबिट में आएगा, ठीक है। सर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हमको फर्म के तरफ से सोच के बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो हम फर्म के हिसाब से देखेंगे कि फर्म के हिसाब से सारे खाते फर्म के हिसाब से भी है। यस, सारे खाते फर्म के तो जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो हमको ऐसा लगा कि हम पार्टनर के हिसाब से देख रहे हैं क्योंकि उसमें इनकम और लॉस क्या होता है, वो बोलने में समझाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए बोलने में मेरे भी बोलने में कहीं आया होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सारे अकाउंट हम पार्टनर्स में बना रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा उसमें जाऊंगा तो बहुत डीप में हम चले जाएंगे। थोड़ा सा मुझे ये भी देखना है कि आपके समझ में भी आ जाए और अभी हम ऑनलाइन उसको समझा सके और समझ सके, ठीक है। ऑनलाइन की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है क्लास की, ऑफलाइन में तो हम बहुत सारी चीजें समझा पाते, ऑनलाइन की लिमिटेशंस उसको भी ध्यान रखना पड़ता है इसलिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सारे खाते फर्म ही बना रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी फर्म बना रही है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी फर्म बना रही है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करा दूं आप लोगों को। यस सर, जी से प्रैक्टिस होती है। यस सर, यस सर, एक क्वेश्चन करवा दीजिए। ये रही वो शीट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये शीट नंबर 6 है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल सही बात है, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये इस शीट के अंदर मैंने बताया कि लाभ हानि वितरण खाता या विनियोजन खाता बनता कैसे, ठीक है, और इसका मैंने फॉर्मेट दिया। अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे, इसके कुछ मेन पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कैसी हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। एक साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन साझेदारों की आपसी सहमति से होता है, ठीक है, जैसे सहमति वैसा लाभ हानि वितरण बटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज, यदि साझेदारों के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है और साझेदारों में विवाद हो तो लाभ हानि का विभाजन भारतीय साझेदारी अधिनियम के हिसाब से होता है, ये अपन ने पढ़ा। एकल स्वामित्व व्यवसाय में लाभ हानि सीधे पूंजी में समायोजित कर दी जाती है, परंतु साझेदारी में ऐसा नहीं हो पाता। जो पार्टनरशिप फर्म है उसका लाभ हानि हम डायरेक्टली कैपिटल में नहीं लिखते, हम एक अकाउंट बनाते हैं। एक साझेदारी में है ना, हम यहां देख रहे हैं, एक साझेदारी में लाभ हानि की गणना के पश्चात कुछ समायोजन किए जा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, अब वो प्रॉफिट आपको डायरेक्टली कैपिटल में जोड़ना है तो ठीक है, लेकिन हम सीधे तो देते नहीं है प्रॉफिट, हम कहते हैं कि नहीं, हम इसमें से पहले पूंजी पर ब्याज देंगे, हम इसमें से वेतन देंगे, हम कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाएंगे, फिर हम लाभ को बांटेंगे। इसलिए हमको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है। अगर हम सीधे लाभ को बांट रहे होते ना तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम सीधे नहीं बांट रहे, हम उसके अंदर कुछ समायोजन, कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट किस चीज का कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का, कमीशन का, इसलिए अकाउंट बनाना जरूरी होता है। साझेदारी संलेख में वर्णित समायोजनों के लिए साझेदारी में एक विशेष खाता बनाया जाता है जिसको हम लाभ हानि विनियोग या लाभ हानि वितरण या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो अब हमने क्या देख रहे हैं कि अगर कोई हमारा बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर एक और अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉफिट बांटने में कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये फिर से कट गया, ठीक है। ये इसका मैंने देख लो। अब हम लाभ हानि वितरण खाते के बारे में कुछ और बात करते हैं।
लाभ हानि विभाजन खाता जो है हमारा, लाभ हानि विभाजन या एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ ये प्रदर्शित करता है कि लाभ हानि को साझेदारों में कैसे वितरित किया गया। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लाभ हानि को विभाजित कर। तो इसलिए इस खाते को कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विस्तार या एक्सटेंशन कहा जाता है कि जो काम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर सकते थे लाभ हानि में भी बांट सकते थे, लेकिन लाभ हानि में बांटने के बजाय हमने एक विभाजन खाता अलग से बनाया उसके अंदर बांटा है। तो ये एक्सटेंशन कहा जाता है कि उसका एक विस्तार है ना उसके अंदर। इस खाते में सर्वप्रथम लाभ या हानि खाते से निकाले गए लाभ या हानि को स्थानांतरित किया जाता है, जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो लिखेंगे। तत्पश्चात साझेदारी संलेख में उल्लिखित सभी समायोजन जो डीड में लिखे हुए, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, इन सबको इस खाते में लिखेंगे। और ये सब लिखने के बाद जो हमारा समस्त करने के बाद, आफ्टर ये सारे हमने एडजस्टमेंट कर दिए, उसके बाद जो विभाज्य लाभ हमारा बटेगा, डिविजुअल प्रॉफिट जो बचेगा, उसको हम उनके लाभ हानि अनुपात के अंदर प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देते हैं। इस खाते की प्रवृत्ति जो इसका नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का, तो इस खाते को बनाने में नाममात्र खातों के जमा नाम के जो नियम है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ऑफ नॉमिनल अकाउंट, वही लगते हैं। तो आप जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और ये अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट बांटने में कुछ एडजस्टमेंट करने, इसलिए बनाते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होते हैं। हाँ, क्या चीज बेटा? सर जैसे हम लोग 11th में एडजस्टमेंट तीनों में करते थे, मतलब ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, बट यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बस में करते। लेकिन ये सारे एडजस्टमेंट्स कौन से हैं? ये पार्टनर्स के प्रॉफिट बांटने के रिलेटेड एडजस्टमेंट है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने के जो एडजस्टमेंट है सिर्फ वही एडजस्टमेंट्स, और इनको हम एप्रोप्रिएशन में करेंगे। वहां पे हम करते थे, बिल्कुल सही कहा तुमने, वो फर्म के एडजस्टमेंट, फर्म के एडजस्टमेंट होते थे, लाभ निकालने के एडजस्टमेंट और है ना सोल प्रोप्रेटरशिप के। लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट पार्टनरशिप में भी होंगे तो भी वही होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे, पीएनएल अकाउंट में होंगे, बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ उन एडजस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो लाभ बांटने में करने हैं, और उनको हम एप्रोप्रिएशन में करेंगे। यस सर। अब हम देखते हैं फॉर्मेट। अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है। पहले हमने लाभ हानि खाते में अगर लाभ है तो लाभ यहाँ ट्रांसफर करेंगे, लाभ हानि खाते में हानि है तो यहाँ हानि लिखेंगे, यहाँ है नेट प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ नेट लॉस लिखेंगे। फिर हम आरण पर ब्याज लिखेंगे क्रेडिट साइड में, फिर हम पूंजी पर ब्याज लिखेंगे डेबिट में, हम सैलरी लिखेंगे, पार्टनर का कमीशन लिखेंगे, और फिर ये सब निकालने के बाद जो लाभ बचेगा विभाज्य लाभ वो यहाँ लिखेंगे। इसी ढंग से मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, अगर विभाज्य हानि होगी तो डिविजिबल लॉस, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। डिविजिबल लॉस हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट हम डेबिट साइड। सर, हाँ सर, इसमें साझेदारों का पूंजी खाता क्यों लिखा सर? ये समझ में नहीं आ रहा हमको। साझेदारी का, साझेदारों का पूंजी खाता सर, कैपिटल अकाउंट वो अलग बनाएंगे, दो अकाउंट बनेंगे। मेरे को बुला रही वो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम अलग बनाएंगे और साझेदारी का पूंजी खाता हम अलग बनाएंगे। ठीक है सर, इधर लिखा है ये पूछ रहे हैं। जी सर, इधर पर क्यों लिखा है ये पूछ रहे हैं। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे क्यों लिखा है, ये यहाँ पे क्यों लिखा है ऐसा? जी सर, यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि ये लाभ जो है वो पूंजी खाते में लिखते हैं ना अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय प्रॉफिट, तो ये पार्ट इसलिए हमने यहाँ लिखा। इसको मैं जो तुमको बता रहा हूँ ना 11th वाले कॉन्सेप्ट, उसको समझाने के लिए मैं इसको मैं समझाऊंगा। जी सर, कोई बात नहीं हिम्मता, हो जाता है, गलती हो जाती है ना, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा पूंजी लाभ वितरण खाता और एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इज दैट ओके? ये तो हमने 6th शीट है, ये हमारी 6th शीट है जो मैंने आपको भेजी है, इसके अंदर ये। अब हम 7th शीट में भी मैंने भेजी है, उसके अंदर मैंने आपको वो दिया है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन दिए। अब हम उन क्वेश्चंस को करते हैं।
मैंने इसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि हमें क्वेश्चंस कैसे करना है। तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है कि इसको मैं करने के लिए ना मुझे अच्छा पहले चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कुसुम और लता ने 1 अप्रैल 2020 को एक साझेदारी फर्म की शुरुआत की। उन्होंने क्रमशः 3 लाख रुपए और 4 लाख लगाए। कुसुम ने 3 लाख लगाए, लता ने 4 लाख लगाए। ओह ये गलती हो गई ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गलती हो गई है। 3 नहीं आएगा, ये 2 ही आएगा। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। उनके साझेदारी विलेख में प्रावधान है, उनके साझेदारी विलेख में प्रावधान है कि कुसुम को प्रतिमा 6,000 का वेतन और लता को 25,000 रुपए का वार्षिक वेतन दिया जाए। को ये यहाँ लिखना चाहिए था, ये वार्षिक है। 25,000 साल का है, पर एनम है, और 6,000 रुपए महीने का, ठीक है। ये भी मैं ठीक कर दूंगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। सर यहाँ पे कमीशन लिखा है वेतन। हाँ, लता को 25,000 का कमीशन दिया जाएगा और उसको 6,000 का वेतन दिया जाएगा प्रति माह। इसके साथ ही उनके उन्हें उनकी पूंजी पर प्रतिवर्ष 6% की दर से ब्याज भी दिया जाएगा। यह भी डीड में लिखा हुआ है। संलेख में यह भी है कि साझेदारों के आहरण पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा, है ना। हम 7% इंटरेस्ट लेंगे, 6% से कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, कमीशन देंगे, सैलरी देंगे सब। कुसुम ने 20,000 रुपए और लता ने 15,000 रुपए का आहरण किया। इन आहरण पर उनको क्रमशः 1,050 और 800 का ब्याज दे, उनको इतना इतना इंटरेस्ट देना। लाभ हानि खाते के अनुसार उनका 7% के, हाँ ये इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में निकाल कर दे दिया है। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल कर दिया हुआ है, आपको निकालना नहीं है। तो आपको इस 7% का कोई काम ही नहीं है। ये जो 7% इसका काम नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट आपको निकाल कर दिया हुआ। और फिर उस क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो शुद्ध लाभ है लाभ हानि खाते के साथ वो 1,052,150 रुपए। इज दैट ओके? ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने करने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। किसी को यहाँ तक कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला तो हम बनाएंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सैलरी और कमीशन दोनों 6 मंथली लेना है? नहीं, 6 मंथली क्यों लेना है, साल भर का देंगे सैलरी कमीशन। 6 महीने का क्यों? मंथली सैलरी नहीं, नहीं कमीशन तो पर एनम कमीशन तो पर एनम ही होता है। सैलरी प्रतिमा है ना, सैलरी प्रतिमा लिखा है सैलरी के अंदर प्रतिमा, तो मतलब प्रतिमा 6,000 रुपए दे रहे हैं उनको। हाँ प्रतिमा सैलरी 6,000 रुपए दे रहे हैं और जो कमीशन है वो तो वार्षिक ही होता है। कमीशन प्रतिमा नहीं होता, कमीशन वार्षिक हमेशा। तो कमीशन के लिए नहीं भी लिखा हुआ है तो कोई भी बात नहीं, आप उसको समझ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है, मैं आगे बढूं? ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, देखिए ये मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। साइड में मेरे क्वेश्चन खुला हुआ है और मैं इधर राइट साइड में बना रहा हूँ। किसी को एक ही कर दूं कि चल रहा है दोनों को, दोनों में चालू रखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? दो पेज एक ही पेज कर दूं? रहने दीजिए, रहने दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत बढ़िया बच्चे हैं, है ना। आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम एकदम समझ में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर ये मेरा अकाउंट हो गया इधर का और ये मैंने बना लिया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं रुपी में ही ले लेता हूँ, डायरेक्टली टाइम बचेगा अपना फटाफट, ठीक है। और ये फॉर्मेट मैं 11 ले लेता हूँ इसका, ये मैं ले लेता हूँ 8, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा लाभानी वितरण खाता है, ये मैंने बना लिया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले लाभ लिखूंगा।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस फर्म को इस साल हमें लाभ हुआ है कितना, 1,52,150। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और आपको ठीक दिखेगा। इस बाय प्रॉफिट कितना हुआ, 1,52,150। ये प्रॉफिट मैंने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। इज दैट ओके? यार अब लाभ में से मुझे कैसे कैसे देना है? लाभ में से पहले पार्टनर्स कह रहे हैं कि पहले पूंजी वेतन दो, पूंजी पर ब्याज दो, इंटरेस्ट ऑन दो, तब बांटो। ठीक है साहब, हमको क्या करना है, जैसा पार्टनर्स बोले वैसा करेंगे। तो मुझे बोला नेट प्रॉफिट है नहीं? हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? नेट प्रॉफिट है नहीं? मैं सर डेट सर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है। हाँ ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है, पीएनएल अकाउंट से जो आया है ये नेट प्रॉफिट। बिल्कुल, मैं यहाँ नेट प्रॉफिट लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकता हूँ, दोनों चले। ठीक है, ये भी तो ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है कि मेरे को कुसुम को 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मुझे वेतन देना है, 6,000। तो मैं 6,000 के हिसाब से साल भर का वेतन होता है 72,000। तो कुसुम कितना, 72,000, 12,672, ये 72,000 रुपए। फिर बोला है लता को कमीशन देना है, टू लताज कमीशन कितना, 25,000। तो हमने लाभ हानि खाते में से कमीशन दे दिया और सैलरी। अब क्या बोला है, अब बोला है संलेख में है कि 7% का इंटरेस्ट लगाना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो निकाल कर दे रखा है अपने को, अपने को। तो लता को सैलरी नहीं मिली क्या? हाँ, लता को सैलरी नहीं मिली? नहीं, लता को सैलरी थोड़ी बोली, लता को कमीशन बोला है। यहाँ पे बोला है लता को कमीशन मिल रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि लता को सैलरी नहीं है, लता को कमीशन है 25,000। ठीक है, अच्छा। फिर अपने को बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगा लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगा लेते हैं दोनों का, कुसुम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लता का 1,000। हाँ, 1,050 और 1,800, ये निकाल कर क्वेश्चन में दे रखा है आपको, तो आपको बस एज इट इज उतार लेना। ये आपका 800 रुपए का इंटरेस्ट, 1,850 रुपए। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर आप यहाँ लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्वेश्चन में बोला है पूंजी पर जो ब्याज है वो हमारा 6% से निकलेगा और इनकी पूंजी 3,00,000 और 4,00,000 दे रखी है। पहले का आएगा 18,000 और दूसरे का आएगा 23,000। क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आएगा, कुसुम का 18,000। ये कुसुम को 18,000 दे दिया। फिर यहाँ पे हमने नीचे दे दिया लता, लता को 24,000। दोनों को मिलाकर हमारा जो इंटरेस्ट बन गया 42,000। 42,000 सर, आपने दो दो बार लिख दिए। जी सर, ये हो गया हमारे बैलेंस, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम निकाल लेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल कितना, 152,150, ये आ गया 1,54,000, 1,54,000, ये हमारा टोटल आ गया। ठीक है, अब ये 1,54,000 में से हमको इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम पार्टनर्स को 1,54,000 का लाभ वितरण कर सकते हैं। 1,52,150 तो कमाया है उन्होंने और 1,850 का पूंजी पर ब्याज मिल गया उनको, तो टोटल हो गया उनका प्रॉफिट 1,54,000। अब 1,54,000 में इतना प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी उनको बांट ही चुके हैं, पहले ही बांट चुके हैं। अब कितना बचेगा, अब जो बचेगा वो हम निकाल लेते हैं, 5,49,000
एक 15,000 बच रहा, तो एक इतना हमारे पास प्रॉफिट है बांटने के लिए पार्टनर्स को। पार्टनर्स ने ये प्रॉफिट कमाया था, ये उनको आहरण पर मिला, तो टोटल प्रॉफिट इतना हो गया। इस टोटल प्रॉफिट में से, इसमें से ये हम उनको सैलरी का दे चुके हैं, ये कमीशन का दे चुके हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब कितना बच गया, ये 15,000 को बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट, विभाज्य लाभ। इस प्रॉफिट को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग लाभ हानि अनुपात में रेशियो के अंदर हम उनको बांटेंगे, जो उनका रेशियो है दो अनुपात एक का है। तो यहाँ पर मैं डेबिट में लिखूंगा 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर ये फिक्स मेथड होता तो मैं यहाँ लिखता टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ चालू खाता लिखता ये yes. कुसुम और नर्म तो क्वेश्चन में अकाउंट से बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए, जब क्वेश्चन में सिर्फ पूंजी खाता दिया होता है तो हम फ्लक्चुएट, मैंने आपको कहा था जब ये नहीं दिया हो क्वेश्चन में कि वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है कि फिक्स से बनाना है, तो आप उसको फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। यहाँ पे दिया सिर्फ पूंजी खाता बनाए, ये तो दिया नहीं किस पद्धति से बनाए, तो आपको उसको फ्लक्चुएटिंग मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो जो है ये गलत दे दिया है मैंने, इसको आप 2:1 मानिए, 2:1 तो 2:1 है, तो 10,000 और 5,000 और ये 5,000, तो ये इस ढंग से हमारा ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। और ये हमने यहाँ पे टुक लिया, दिस इज हाउ वी मेक एन अप्रोप्रिएशन। तो हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस हिसाब से बनता है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, फिर इसके बाद इसमें पूंजी खाता भी बोला है, मैं पूंजी खाता बनाना भी सिखा रहा हूँ। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पूंजी खाता बनाना है, तो पूंजी खाता भी मैं यहाँ बना देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुसुम और लता, तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनकी पूंजी लिखेंगे इसमें, फ्लक्चुएटिंग में सबसे पहले कैपिटल आएगी, तो बाय बैंक, उन्होंने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया एक साल पहले, तो बाय बैंक या बाय कैश आप कुछ भी लिख सकते हो। कुसुम के अंदर लिखेंगे 3,00,000 रुपए, 3,00,000 और इसमें लिखेंगे 4,00,000, 4,00,000 और तो कुछ है नहीं, कोई पूंजी लगाई नहीं है, कोई निकाली नहीं है। अब साल के अंत में लाभ बांटेंगे, तो लाभ बांटेंगे तो ये देखिए, ये जो कुसुम की सैलरी है, हमने कुसुम को जो सैलरी दी है ये यहाँ डेबिट की है, प्रॉफिट से घटाई है, और ये कुसुम के अकाउंट में यहाँ जुड़ जाएगी, तो ये यहाँ से ये क्रेडिट में आएगी ये सारी चीज। तो मैं यहाँ से कुसुम की सैलरी को क्रेडिट करूंगा, बाय सैलरी लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं, तो कुसुम को मैंने सैलरी दे दी 72,000। फिर मैंने कमीशन दे दिया, बाय कमीशन कितना दे दिया, 25,000 लता। फिर यहाँ पे मैंने उनको पूंजी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, ठीक है, ये हो गया। ये सब आप फिर प्रॉफिट भी बांट देते हैं, जो भी डेबिट साइड की एंट्री है वो पूरी यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मुझे नीचे जगह कम पड़ रही है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अब मैं लाभ बांट देता हूँ, बाय प्रॉफिट, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या मैं प्रॉफिट भी से लिख सकता हूँ, सिर्फ प्रॉफिट। कितना कितना बांटा अपने प्रॉफिट, 10,000 और 5,000,
10,000 और ये, तो जो कुछ ये डेबिट में था पार्टनर्स कैपिटल, ये सब मैंने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट के अंदर ट्रांसफर कर। आप क्या देख रहे हो कि पार्टनर को जो कुछ हमने दिया, हमने पार्टनर को सैलरी दी, तो जिस पार्टनर को सैलरी दी उसको क्रेडिट कर दिया, फिर पार्टनर को हमने कमीशन दे दिया, फिर हमने दोनों पार्टनर को आईओसी दिया है तो मैंने दोनों पार्टनर को आईओसी दे दिया, मैंने दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा है तो मैंने दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब yes, ये तो पार्टनर्स पूंजी खाता मैंने वैसे ही बनाया है जैसे हम परिवर्तनशील पूंजी खाता मैंने आपको पहले सिखाया, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जो मैंने आपको सिखा रखा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है ओके, अब मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पूंजी खाते में नहीं लिखा हुआ, सॉरी ये इसके अंदर अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ। ड्रॉइंग्स कितनी है? 20,000 और 15,000, तो 20,000 ड्रॉइंग है कुसुम की, 15,000 ड्रॉइंग है लता की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से जो चीज डेबिट में थी वो हम क्रेडिट में ले गए, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ये इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ लिखूंगा। कितना कितना लिखूंगा? 1,050 और 800, बस ये हो गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, स्पेस एक ही पेज में आ जाए इसलिए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के लिए मैं टोटल करूंगा और फिर बैलेंस निकाल लूंगा। तो ये टोटल कितना है? 4,00,000 और ये हमारे पास 29, 5, 5, 10, 30, 30 एंड 54, 4,54,000, ये 4,54,000 यहाँ भी आएगा और इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा बैलेंस करीब 4,54,000 में घटा के हम बैलेंस निकालेंगे 216। ये आ गया हमारा 4,00,000। इसी ढंग से इस साइड का टोटल हम निकालेंगे। ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि स्थिर पूंजी पद्धति से बनाओ, तो हम फ्लक्चुएटिंग से बनाते हैं। जब क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि किस पद्धति से बनाना है तो हमको फ्लक्चुएटिंग ही इस्तेमाल। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 950, 2,000, 8। ठीक है, तो दिस हैपेंस टू बी, ठीक है ठीक है, तो ये हाँ 8 आ गया एंड देन इसी हिसाब से वो भी हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा। एक बार देखते हैं जो टोटल गड़बड़ आएगा तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो ये आ गया 9, 5, 5, 10, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 9, 2, 11, अच्छा ये 7 है। ठीक है, ये हो गया मेरा अकाउंट। तो ये मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ऊपर और नीचे मैंने पार्टनर्स कैपिटल बनाया। इज दैट ओके? यस। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन भेजूंगा, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बाकी क्वेश्चंस एक बार खुद ट्राई करने हैं, इसके अंदर जो आप क्वेश्चन अगर देखेंगे पर बाकी सेम ही है। सारे तो नहीं देंगे सेम, कुछ कुछ दिए हैं मैंने सेम, लेकिन आप जो जितना 2-3 क्वेश्चन भी ट्राई कर सके वो कर लें। कल हम जब एंट्री जो आपने मुझसे डाउट पूछी वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे दूसरी चीज ले लेंगे। ये डिसाइड हुआ है कि कल मैं आपको पूरा वो सीक्वेंस बनाने की कोशिश करूंगा। yes, जो आपने 11th में पढ़ा होना चाहिए था, लेकिन आपने जैसा कहा सिचुएशन ऐसी नहीं थी लास्ट ईयर, तो वो आप नहीं पढ़ पाए, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, पढ़ा रहे थे पिछले दिन, तो आप बोले थे कि पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के फिर प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इसमें सरल पड़ता है, तो हमको तो यही सरल लगा। नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा था कि जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो जनरल एंट्री, अभी मैंने आपको जनरल एंट्री नहीं बताई, मैं जनरल एंट्री जब इसकी करेंगे तो पहले हम कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं फिर हम अप्रोप्रिएशन में करते हैं।
लेकिन जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं तो हमारे लिए हमको ये आसान लगता है पहले पार्टनर अप्रोप्रिएशन में लिखना फिर अकाउंट में लिखना, ये हमको आसान दिखता है। Yes. Okay. लेकिन जब जनरल एंट्री करेंगे तो आप उल्टा पाएंगे कि एंट्री तो उल्टी हो रही है, तो एंट्री उल्टी होगी। लेकिन रियल में क्या होता है, वास्तव में दोनों करीब करीब साथ में ही बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे ऐसे बन रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes. सर हम लोगों को ऐसे ही करना है ना जैसे आप बताए हैं अभी? हाँ हाँ, जैसे मैं बताया बेटा अभी वैसे ही। Okay. ठीक है, और कोई है किसी का कोई प्रश्न? नहीं है, ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन भेजूंगा, आप उसको सॉल्व कर देंगे, और वो सॉल्व आप कर लेंगे तो आप मुझे ये बताएंगे कि हम उसको जो डिस्कस करने का है, हमें पूरा प्रोसेस जो मुझे आपको समझाना है वो कल डिस्कस करेंगे, परसों करेंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर।